जय श्री कृष्ण। कर्मकांड, पूजा मंत्र, स्तोत्र, व्रत कथा एवं सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए घंटी की निशान को भी दबाएं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ। इस मंत्र को नित्य बोलने से व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है, उसके चेहरे पर कभी उदासी नहीं आती है। ये दुर्गा माता का प्रसिद्ध और सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को नित्य बोलना चाहिए, सुबह प्रातःकाल सायंकाल भी बोलना चाहिए, ताकि हम सदैव प्रसन्न रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या विधि है, क्या इसकी पद्धति है बोलने की, तो सबसे पहले दुर्गा माता का मंत्र है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। फिर भी कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो आप लिख सकते हैं, मैं जरूर उसका समाधान करूंगा। तो दुर्गा माता का मंत्र है, तो घर में दुर्गा जी की फ़ोटो होनी चाहिए या दुर्गा जी की मूर्ति होनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, फिर उनके प्रसाद नैवेद्य चढ़ा करके दीपक जलाने के बाद में इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। या आप नित्य कहीं भी आप इस मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं माता का। फिर आप कोई भी अगर आप उदास हो तो इस मंत्र का उच्चारण करें, तो आप शीघ्र ही आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये मंत्र कैसे हैं मैं 2-3 बार दोहराऊंगा, तो निश्चित ही आप ये मंत्र बोलना सीख जाएंगे। ये मंत्र को याद कर लीजिए, सदैव इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। दुर्गा माता का मंत्र है, प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव। पूरा मंत्र कैसे दोहराएंगे, प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव। तो यह था वो मंत्र, प्रसन्नता की प्राप्ति कराने वाला ये मंत्र है दुर्गा माता का। दुर्गा सप्तशती से लिया गया है। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। फिर भी कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर समाधान करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।